नमस्कार दोस्तों, आज आपका पावर ऑफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे एसएससी के अंदर या सीएचएसएल या सीईटी हरियाणा उसके अंदर पूछे जाने वाले एलजेब्रा के क्वेश्चन। हमें वैसे तो नहीं आता एलजेब्रा, हम छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स कंसेप्ट हैं वो हमें कर लेने चाहिए। जैसे कि दोस्तों, जैसे एक्स प्लस वन बाई एक्स हमें दे रखा है, कोई वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं एन, और हमसे पूछ लिया एक्स स्क्वेयर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और हमें ये आने चाहिए और हमें कर देने चाहिए। एन देर का है, स्क्वेयर पूछा है, तो इसका स्क्वेयर करेंगे एन स्क्वेयर माइनस में टू कर देंगे, टू इंटू में ये जो दिया है ना एक्स प्लस में वन बाई एक्स, एक्स इंटू में एक्स वाई, ये वैल्यू इसकी वैल्यू आएगी। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो हम आपको हम बता देंगे। जैसे मान लेते हैं एक्स प्लस में वन बाई एक्स हमें देर का है पाँच, और हमसे वैल्यू पूछी है एक्स प्लस में वन बाई एक्स स्क्वेयर की। सबसे पहले पाँच का स्क्वेयर करेंगे, पाँच का स्क्वेयर पच्चीस माइनस में टू इंटू में एक्स इंटू में वाई, इससे इस कैंसल ये वन आ जाएगा। पाँच का स्क्वेयर पच्चीस माइनस में दो तेईस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है और काफ़ी ईजी है, हम छोड़ के आ जाते हैं। जैसे एक्स प्लस में वन बाई एक्स स्क्वेयर दे रखा है हमसे 25, 22 कुछ भी मान लेते हैं, और हमसे वही वैल्यू पूछी है, इसका स्क्वायर करना है दोनों का। 22 का स्क्वायर करेंगे 484, इसमें से दो कम कर देंगे 482। कभी कभी एग्जामिनर इनको घुमा फिरा के भी दे देता है। जैसे 2x प्लस में 1/3x हमसे दे दिया है, कुछ भी वैल्यू दे रखी है मान ले 7, और हमसे पूछ लिया है 4 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस में 1/3x स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये सीधा सीधा है तो इसका स्क्वेयर ही 4x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर। हम सबसे पहले इसका स्क्वेयर करेंगे, 7 का स्क्वेयर 49 इंटू में क्या होगा कि 2 इंटू में 1/3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 49 माइनस में 4/3 49 माइनस में 1/3 47 2/3 इसका आंसर होगा। ये हमने डाटा थोड़ा करेक्ट ले लिया, इसलिए कैलकुलेशन ज़्यादा करने पड़ी, एग्जामिनर इतने कैलकुलेशन देता नहीं है। कभी कभी इसके साथ भी खिलवाड़ कर देता है, जैसे ही हमको दे दिया 2x प्लस में 1/3x, इसकी वैल्यू हमें 5 दे दी है। हमसे पूछ रहा है 9x² प्लस में 1/4x², इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये उन्होंने गड़बड़ी करके दे दिया। हमें इस क्वेश्चन को भी एग्जाम्स में कर देना चाहिए। हम इसको सबसे पहले करेंगे 3 से गुणा और 2 से डिवाइड, ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस में 1/2x आ जाएगा, 3 से गुणा 2 से भाग किया है, 5 था, इसको हम 6 मान लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 3 से गुणा किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास 9 के इसके इक्वल है 9। अब हमको इसका स्क्वेयर ही पूछा गया है, 9 का स्क्वेयर करेंगे 81 माइनस में 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 9 81 में से 78 आ जाएगा। ये तो था प्लस से प्लस के अंदर जाना। अब कभी 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 इसका उल्ट भी पूछ लेता है एग्जामिनर, जैसे इसकी वैल्यू दे देगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² की वैल्यू हमको दे देगा, जैसे इसकी वैल्यू दे दी हमें कुछ 14, और हमसे पूछ लिया है एक्स प्लस में 1/x, हमें क्या करना है इसका। उसमें तो पहले स्क्वेयर करते थे फिर 2 घटाते थे, ये उल्टा जाना है, 14 दिया गया है, 14 में 2 जोड़ेंगे और इसका स्क्वेयर रूट कर देंगे 16 का स्क्वेयर रूट आता है 4, इस आंसर का सही उत्तर 4 हो जाएगा। इसमें भी डाटा गड़बड़ी करके दे देता है। अगली टाइप की तरफ बढ़ेंगे, जैसे हमें इस बार दिया है एक्स प्लस में 1/x और हमसे पूछा है एक्स स्क्वेयर माइनस में 1/x² की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, तो हम क्या करेंगे। इसकी वैल्यू कुछ भी दी है, जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू 10 दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है, कुछ नहीं करना, इस 10 का स्क्वेयर करना है 100, माइनस में जाना है तो इसके अंदर 2 जोड़ देंगे, इंटू में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कट के 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 102 आ गया। इसमें वैसे ही डाटा चेंज करके दे देते हैं कभी कभी,
जैसे 3x + 1/2x दे दिया और पूछा है हमसे इसका उल्ट का स्क्वायर या कैसे भी पूछो 9x² - 1/4x ये दे रखा है हमको 8, तो हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके जोड़ के कर देंगे। जैसे सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे 64, उसके बाद जोड़ना है 2 × 3 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा 64 और 3 = 67। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है। ये होगी दो टाइप्स। अब हम बढ़ते हैं तीसरी टाइप की तरफ। जैसे कि x + 1/x हमको दिया है या माइनस में दिया है और हमसे पूछा है x - 1/x की वैल्यू। प्लस से माइनस कोई ऊपर पार वगैरह नहीं दी गई है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये n है, इसका हमको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद में निकालने के लिए इसके अंदर 4 × ये वाला माइनस कर देना है जो भी दिया गया है वो। ये इसका फाइनल वो होता है, इसके ऊपर रूट लग जाता है। क्वेश्चन करने से ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मान लेते हैं x + 1/x की वैल्यू हमको दे रखी है 5 और पूछा है x - 1/x की वैल्यू क्या आएगी। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, 25 में से हमको 4 घटाना है और इसका रूट लगा देना है, 21√ इसका आंसर आ जाए। बिल्कुल सीधा है, सिंपली है, x प्लस दे के माइनस पूछा है, स्क्वायर रूट करेंगे -4। इस ये दे के वो पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना। जैसे मान लेते हैं x - 1/x की वैल्यू हमको दे रखी है 7, हमसे पूछा है x + 1/x की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना, ये 7 है, इसका स्क्वायर करना है 49, और इसके अंदर माइनस से प्लस में आ रहे हैं उसमें घटाते थे इसमें जोड़ देंगे, 49 + 4 √53 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि ऐसा ही है। जैसे x + 1/x हमको दिया है, हमसे पूछा है x + - 1/x की क्यूब, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, ये देकर ये पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। मान लेते हैं यहाँ पर 6 दिया है हमको निकालना है, ये पहले इसका क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब होता है 216, -3 × a × b ये करते हैं, ये वैल्यू तो आ जाएगी 213, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछ, अब प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस देगा तो आप उस वाली थ्योरम से जैसे n का स्क्वायर -4 करके ऊपर रूट करके ऐसे निकाल लोगे, प्लस से माइनस माइनस में प्लस आ जाओगे। और कभी कभी दे देता है हमको x² - 1/x², ये, और हमारे समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। इसका कुछ नहीं करना है, इसको हम रूट में फैक्टर्स में तोड़ लेंगे, जैसे x - 1/x × x + 1/x, इसके वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं, इनकी या तो दी होगी या हम निकाल सकते हैं। इसके बाद एक अगली टाइप और बच गई है, जैसे कभी कभी एग्जामिनर हमको दे देता है 2x² + 4x - 1 जैसे हमको दे दिया 2x² - 3x + 4 = 0 और हमसे वैल्यू पूछ ली उसी प्रकार के क्वेश्चन से, x + 1/x की इस फॉर्म में पूछ ली, इसका स्क्वायर दे देगा, क्यूब दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसको आपको x से डिवाइड करना है, 2x² को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, -3x को x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 4 को डिवाइड करेंगे x से तो 4/x = 0। क्या ये वैसी फॉर्म बन रही है जैसे देखिए 2x + 1 = 4x = ये 3 ऊपर चला जाएगा इधर, ये देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा 2x बदले इसी, तो यहाँ से ये निकाली जा सकती है वैल्यू। इसके अलावा अगले